बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 के अंदर आज हम फर्स्ट लेक्चर यानी वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के अंदर आज हम जीन्स, एलील्स और जीन पूल के बारे में बात करेंगे। सही, इससे पहले आपको थोड़ा बहुत यानी इस टॉपिक का आइडिया होना चाहिए। इस चैप्टर जो टॉपिक है वो किसके बारे में, इसमें एक है वेरिएशन। वेरिएशन कहते हैं तब्दीली को, सही, कि चेंजिंग किस चीज़ की, चेंजिंग नेचर, उसे आप वेरिएशन कहते हैं। सही, दूसरा जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स मीन समथिंग अबाउट जीन्स। ठीक है, यानी जीन्स की कह रहे हैं कि जो स्टडी होती है, जीन्स स्टडी, उसे आप जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक, थोड़ा बहुत जीन्स के बारे में पता हो आपको। जीन्स में भी आपने पढ़ा हो कि इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, ये डीएनए का हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए में जो जीन्स होते हैं वो किस शक्ल में होते हैं, इट इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, कि डीएनए के अंदर बेसिकली डाटा होता है, सही, इस डाटा से प्रोटीन बनती है। सही, और ये डाटा किसकी शक्ल में होता है, न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये आपने मे बी इससे पहले पढ़ा हो चैप्टर नंबर 20 के अंदर। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को आप डीएनए कहते हैं। सही, डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंस होते हैं वो प्रोटीन्स यानी अमीनो एसिड्स की चेन्स बनाते हैं। सही, तो वो जो पार्ट है जिसके ज़रिए प्रोटीन बननी है डीएनए का, उसे आप क्या कहोगे, जीन्स कहोगे। ठीक, इन जीन्स के अंदर तब्दीली आती रहती है। ठीक है, जीन्स अंडर गो वेरिएशन, ठीक है, उनके अंदर तब्दीली आती रहती है, और ये तब्दीली मोस्टली दो वजह से आती है। ठीक है, हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं, एक है क्रॉसिंग ओवर, सही, और दूसरी है म्यूटेशन। सही, अब क्रॉसिंग ओवर तो होती है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने नॉन क्रोमेटिड पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, जो हमने इसे पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया है, और म्यूटेशन जो है वो चैप्टर नंबर 20 में हमने स्टडी किया था कि जो जीन्स का सीक्वेंस है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मसलन ATG है, सही, इस तरह ये एक डीएनए का यूनिट है, वो अगर चेंज होकर AUG बन जाता है, सही, सो इट इज़ म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन है, म्यूटेशन के आगे टाइप्स होती हैं। सो यानी न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस है वो अगर चेंज होता है उसे आप म्यूटेशंस कहोगे, इसके वजह से वेरिएशंस आती हैं। सही, अब हम आएंगे अपने टॉपिक जीन्स, एलील्स और जीन पूल के बारे में। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर नंबर 22, हम इसी के बारे में सारा आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सही, आगे नेक्स्ट कमिंग टू द आपके एलील्स हैं एंड जीन पूल्स। सो कमिंग डाउन, ये सही, ये एक क्रोमोसोम है, इट इज़ एक्स शेप क्रोमोसोम्स जो कि डीएनए से बना होता है। सही, और ये क्रोमोसोम्स जहाँ पे जीन मौजूद होगा, ठीक है, उसे आप जीन लोकस कहोगे। फिर इनके एलील्स होते हैं, एलील से मुराद के अगर मसलन फॉर एग्जांपल आपको मैं क्या कहूँ, हाइट है, हाइट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यानी एक खसूसियत है। सही, इस खसूसियत के पीछे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। सही, जीन्स यानी एक से ज़्यादा होते हैं, मसलन दो जीन्स अगर हम कहें, दो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, एक कैपिटल टी होता है, एक स्मॉल टी। सही, जो कैपिटल टी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल को, स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्ट को। सही, सो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दो जीन्स हैं और ये एक दूसरे के एलील्स कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एलील्स, क्योंकि ये दोनों मिलकर इस खसूसियत को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, यानी ये जो करेक्टरिस्टिक्स है इट विल बी कंट्रोल बाय बोथ ऑफ दिस जीन्स। ठीक है, इन दोनों जीन्स के जरिए कंट्रोल होगी, इस वजह से एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एलील्स कहलाएंगे। सही, यानी जीन्स की डेफिनेशन में ऊपर पड़ी है और एलील्स क्या, इट इज़ द कंपेनियन ऑफ द जीन, कंपेनियन ऑफ जीन। सही, कि जो साथी है, और मोस्टली ये सेम पोजीशन पे क्रोमोसोम्स के ना, यानी सेम पोजीशंस पे लाई करते हैं। सही,
अब थोड़ा बहुत हम मज़ीद अगर जानने की कोशिश करें इस जीन्स के बारे में, ठीक है। अलील्स के बारे में आपको पता लग गया, यानी क्रोमोसोम्स का कंपेनियन। जीन्स के बारे में हमने आइडिया ले लिया, अब थोड़ा बहुत हम यानी जीन्स की फर्दर स्टडी करते हैं। मसलन ये डीएनए है, डीएनए के अंदर ये बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। बेस पेयर्स जो कि किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। इनके न्यूक्लियोटाइड्स पूरा सीक्वेंस होता है जो आपने चैप्टर नंबर 22 में पढ़ा होगा। न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनके ज़रिए बेस पेयर्स बनते हैं। बेस पेयर्स फिर वाइंड अप होते हैं हिस्टोन्स प्रोटीन्स के ऊपर। हिस्टोन्स प्रोटीन्स मिलके फिर उसको मज़ीद टर्शरी कह लें कि उसकी ओवरलैपिंग होती है या वाइंडिंग होती है, फिर क्वाटरनरी वाइंडिंग होती है, फिर यह एक क्रोमोसोम एक्स बनता है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि क्रोमोसोम्स ओनली विजिबल व्हेन सेल इज डिवाइडिंग, यानी जब सेल ने डिवाइड होने जाना होगा सिर्फ उस टाइम ये विजिबल होंगे, अदरवाइज ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक से, जिसे आप क्रोमेटिन कहते हैं, उस शक्ल में होते हैं, ठीक है। तो जो ओवरलैपिंग होती है इसे आप कंडेंसेशन भी कहते हो, ठीक है। दिस होल प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। मैं इधर किस तरह लिखूँ, बोला ऊपर लिख देता हूँ कंडेंसेशन, जो कि कह लें कि सेल डिवीजन से पहले स्टार्ट होती है प्रोफेज के अंदर, ठीक है। और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है, ये सारा पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं, सही। सो यानी ये जो डीएनए ये कंडेंस हो के हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से क्रोमोसोम्स की शक्ल में आता है, सही। अब जो इस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या बनेंगे, जीन्स, ठीक है, यानी सीक्वेंस ऑफ, सॉरी, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या बनाएंगे, जीन्स, ठीक है। और जो कलेक्शन ऑफ जीन्स होगी, ठीक है, यानी जीन्स, हाइट के जीन हो गए, वेट, सॉरी वेट का जीन नहीं होता, हाइट के जीन्स हो गए, आई कलर, स्किन कलर के जीन्स हो गए, ईच एंड एवरी प्रोटीन जो आपकी बॉडी में है उनके जीन्स होते हैं पीछे, उनके जो कलेक्शन होगा वो मिलके क्या बन जाएगा, उसका जीनोटाइप, ठीक है। उससे आप क्या कहोगे, जीनोटाइप यानी द सेट ऑफ जीन्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द जीन्स, ठीक है, कि सारे जीन्स का जो सेट है उसे आप जीनोटाइप कहोगे। फिर उसके ज़रिए जो आपको करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, मसलन जो आपको कलर कलर मिलेगा, ठीक है, यानी ये जीनोटाइप जो एक्सप्रेस होगा, ठीक है, ये नहीं, जीनोटाइप तो ये डीएनए का हिस्सा है ना, लेकिन जो आपकी बॉडी में एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस ऑन बॉडी, लाइक स्किन कलर वगैरह जो सा हो गया, आई कलर हो गया, सही, आपकी हाइट होगी, ये सारे एक्सप्रेशन है इस जीनोटाइप का, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आप फिनोटाइप कहते हो, फिनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक डबल टी है, इट मीन्स लॉन्ग, ठीक। एक डबल स्मॉल टी है, इट मीन शॉर्ट। सो दिस इज जीनोटाइप एंड दिस इज फिनोटाइप, ठीक। यानी टी जीन्स उनसे हैं, ये जीनोटाइप है, और उसका जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो ये कि जो भी बॉडी है या एनिमल की है या प्लांट की, वो लॉन्ग होगी, कद में बड़ी होगी, उसे आप फिनोटाइप कहेंगे। इस तरह जो स्मॉल टी है ये शॉर्ट स्टेचर के लिए है, सही, इसे आप जीनोटाइप और फिनोटाइप कहते हैं। ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये जो सारे जीन्स जो से हैं, ठीक है, दिस इज जीनोटाइप। फिर जो बॉडी आपकी बन रही है, इट इज होल नाउन एज फिनोटाइप, ठीक है। आपका कलर, हेयर कलर, आपका बॉडी शेप कह लें, बॉडी स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स जो भी आपकी बॉडी के अंदर बन रही है, इवन डिजीजेस भी, बाज वाले डिजीज होते हैं जो, जैसे शुगर की बीमारी है, वो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आती है, तो वो भी आपके जीनोटाइप्स से फिनोटाइप में एक्सप्रेशन होती है उसकी, सही। सो ये हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप। अच्छा, जो टी टी स्मॉल टी है, एक दूसरे के क्या हैं, अलील्स हैं, यानी दो अलील्स हैं इसमें, एक दूसरे के ये अलील्स हैं, सही। तो चीज़ ध्यान में रखनी है। सो ये हो गया जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। नेक्स्ट आता है जीन पूल, ठीक है। नाम से जाहिर है कि पूल को किसे कहते हैं, तालाब को, ठीक है। और जीन से मुराद जीन, ठीक है, यानी जीन्स का तालाब। ये जीन्स वो नहीं है जो पहनते हैं कपड़ों की शक्ल में, ये जीन्स मुराद जो डीएनए के पार्ट हैं, जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के जो तरतीब है जिसके ज़रिए प्रोटीन्स बनती हैं, उन्हें अब जीन्स कहोगे, सही। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये, अगर आपको सामने नज़र आ रहा हो कि हमारे पास ये
पिग्स हैं, ठीक है, मसलन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये पिग्स हैं, पिग्स के अपने अपने फॉर एग्जांपल जीनोटाइप्स हैं, यानी इसका कैपिटल बी है, इसका कैपिटल बी स्मॉल बी है, इसका स्मॉल बी है, इसका कैपिटल बी स्मॉल बी है, सही, और ये सारे जो कलेक्शन ऑफ दिस जीन्स हैं, ठीक है, इन सब का जो कलेक्शन होगा उसे आप क्या कहोगे, जीन पूल कहोगे, सही। अच्छा, इसके अंदर जो है ना कन्वीनियंस के लिए आप मतलब सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी हो सकता है, सही है, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड भी कहते हैं आप, ठीक है, मतलब आपकी जो बुक है उसके अंदर वर्ड ट्रेड का यूज़ किया है, सिंगल ट्रेड के रिलेटिव भी हो सकता है, मल्टीपल ट्रेड्स के लिए भी हो सकता है, सही। सिंगल ट्रेड से क्या मतलब है, आप सिंपल इसकी हाइट चेक करते हो, सही, इट इज़ सिंगल ट्रेड। मल्टीपल में क्या आएगा, आप उसका स्किन कलर चेक करते हो, सही है, आई कलर चेक करते हो आप, सही है, साथ साथ आप उसकी हाइट भी देखते हो, सही है, फिर उसकी जो बॉडी शेप है उसको डिस्कस करते हो आप, सही। तो अब ये मल्टीपल ट्रेट्स में आ रहा है, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है। सो खैर, जीन पूल से क्या मुराद है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो कि एक लिविंग एरिया में एट अ टाइम रह रहे हैं, ठीक है, उसके जो जीन्स हैं उनको आप इकट्ठा कर लो, ठीक है, यानी एक बैग के अंदर डाल लो, इकट्ठा करके एक बैग के अंदर या एक बोतल के अंदर डाल लो, वो आपका एक जीन पूल होगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें जो ये पिग्स हैं, पिग्स डो नॉट हैव जीन पूल। आप भी कहेंगे क्यों, मैंने पिक्चर क्यों लगाई, तो बेसिकली समझाने के लिए जो पिग्स हैं ये इंटरब्रीड नहीं करते, दे डू नॉट इंटरब्रीड, जब वो इंटरब्रीड नहीं करते दे आर नॉट स्पीशी, ठीक है, वो एक स्पीशी नहीं है, सही। सो जीन पूल जो है वो स्पीशी स्पेसिफिक है, यानी कोई एक स्पीशी जो कि इंटरब्रीड कर सके, यानी अपनी नई नस्ल्स आगे प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो यानी जीन पूल की डेफिनेशन क्या होगी कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, सही, ऑफ द सेम स्पीशीज। स्पीशीज क्या होंगी, सेम स्पीशीज होंगी, सही, एग्जिस्ट टुगेदर, यानी एक जगह पे मौजूद होंगे, एग्जिस्ट टुगेदर, सही, इन द सेम टाइम एंड स्पेस, ठीक है, इन द सेम टाइम एंड स्पेस, कि एक ही टाइम और स्पेस के अंदर वो एक ही जगह पे मौजूद होंगी, इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म होना ज़रूरी है। सो पिग्स इसमें नहीं आ सकते क्योंकि वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी आगे अफजाइश नस्ल नहीं हो सकती, सही। सो ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी एग्जिस्ट टुगेदर इन स्पेस। अच्छा, इससे आप क्या कहोगे, पॉपुलेशन, सही, ये तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप कहोगे जी ऑल द जीन्स, शुरू में अगर आप इसके लिख दो मसलन ऑल द जीन्स या अलील्स ऑफ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, तो इससे आपका क्या आता है, पॉपुलेशन की जगह पे इज नोन एज जीन पूल, सही, कि यानी जीन पूल जो है वो पॉपुलेशन स्पेसिफिक है, सही। सो जीन पूल्स अब सिंगल ट्रेड भी हो सकता है कि जिसके अंदर आप सिंगल ट्रेड को, यानी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही खसूसियत के बारे में अगर आप इकट्ठा करते हो डाटा या लीज को इकट्ठे करते हो, सही, और मल्टीपल भी हो सकता है, मसलन आप मल्टीपल, अगर हम स्टडी करेंगे किस तरह सिंगल ट्रेड और मल्टीपल ट्रेड्स के हिसाब से आप जीन पूल बनाते हो, सही। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट करनी है, सही। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले भी होगा पिछले लेक्चर के ज़रिए। अब हम थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले हम स्टार्ट किया इसके इंट्रोडक्शन से, वेरिएशन इन जेनेटिक्स,
सो वेरिएशन किसे कहा था हमने, तब्दीली को। जेनेटिक्स का मतलब जो भी डीएनए वगैरह है जिसके अंदर जीन्स होते हैं, सारे जीन्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो उसका जेनेटिक्स है। वो उसका जीनोम है बेसिकली, और जीनोम की स्टडी को हम या जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। जीन्स के अंदर तब्दीली आती रहती है। इसके अंदर दो बेसिक हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, एक क्रॉसिंग ओवर है और एक म्यूटेशन है। सही। क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन जो हैं ये आपके कह लें कि वेरिएशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपका जो डीएनए है या जो जीन्स हैं वो इसकी वजह से चेंज होते रहते हैं। सही। उसके बाद फिर हम नीचे आगे क्रोमोसोम्स के बारे में, हमने जीन्स के बारे में पढ़ा। सही। आप जीन्स क्रोमोसोम्स के जिस हिस्से में लाई करेंगे उसे आप लोकस कहोगे, जीन लोकस। और फिर जो उसका कंपेनियन होगा, जीन्स का जो कंपेनियंस है जो सिंगल ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होंगे, मसलन हाइट के लिए तीन चार जीन्स हैं, या आपके ब्लड ग्रुप के लिए फॉर एग्जांपल ए बी ओ ब्लड ग्रुप है ना, तो उसमें ए बी ओ एक दूसरे के अलील्स हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीपल अलील्स भी कहते हैं, हम आगे जाके स्टडी करेंगे। और फिर हमने थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में देखा कि डीएनए किस तरह जीनोटाइप बना रहा है। तो हमने कहा जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने के बाद उनकी सुपर कॉइलिंग होती है और फिर वो क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। और ये सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ये सारे जीनोटाइप कहलाते हैं। मसलन हमारे अंदर कितने हैं, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो हमारे ये जीनोटाइप है। सही। और फिर एक फिनोटाइप, फिनोटाइप से मतलब कि जो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, बस हमारा जो स्किन का कलर आएगा, हमारे हेयर्स का कलर जो सा है, या हमारे आइज़ का जो कलर है, ये हमारा फिनोटाइप है, क्योंकि ये उन्हीं जीन्स का प्रोडक्ट है बेसिकली। सही। उसके बाद फिर हमने जीनोटाइप फिनोटाइप की कोई एग्जांपल देखी। फिर हम लास्ट में जीन पूल की तरफ आए। हमने कहा जी इसकी डेफिनेशन क्या है कि द जीन्स और या स्लैश अलील्स ऑफ ऑल द ग्रुप कह लें, ऑफ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी एग्जिस्ट टुगेदर सेम टाइम एंड स्पेस। सही। इसको आप जीन पूल का नाम देंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में बात करें।